मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपको एक ऐसी शक्ति अस्थि मिलवाने वाले हैं जो कि बहुत ही छोटी और कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम, अपने क्षेत्र ग्रामवासियों का नाम, अपने गांव का नाम भी रोशन कर चुके हैं। हम उनके घर की स्थिति बताएंगे और उन्होंने किस तरीके से मेंटेनेशन किया, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे और किस तरीके से गाँव व अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। घर में जाकर उनकी स्थिति भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। जैसा कि हम बता रहे थे कि ऐसी शख्स जो कि ललित नाम के पहलवान से मिलाने के लिए आए, बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अब हम उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। घर में जो कि दादाजी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। ताऊ जी आपका नाम क्या है? ताऊ जी मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। जी गाँव में जी पप्पू बोलते हैं। जी जी आज हम जैसे कि आपने आपके परिवार के एक ललित पहलवान नाम के व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो आप इस पर क्या राय देना चाहोगे? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा, बढ़िया, अच्छी अच्छी बात और अच्छी हो क्या सकती है। एक बाप के लिए बेटे, आप उनके पिताजी हो? जी मैं उनके पिताजी हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। महसूस है, गौरवान्वित है। और जिस तरीके से हमने आपके घर में आकर स्थिति देखी, उनके खाने पीने का मेंटेनेशन कैसे किया? खाने पीने का मेंटेनेंस तो जी जैसे तैसे मैं उसका जटा रहा हूँ और आजकल मैं उसका भरण पोषण कर भी नहीं पा रहा। जिस हिसाब से वो युधिष्ठिर पहलवान है, चांद के घोड़ी चांद गांव है पल जिला पलवल में, वो इसकी देखरेख कर रहे हैं। अब वही उसको खान पान दे रहे हैं। अब कर रहे हैं। पहले हम करते थे, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसका। जी, जी। और मैं तो जो कुछ हमारे घर जो कुछ घी वगैरह हो जाता है भेज देते हैं। जी, जी। बाकी परवरिश वही कर रहे हैं। आगे कभी आपने जैसे कि जी आप पहलवानी से इन्हें शौक था, तो आपने कभी इनको रोका या इनको हौसला बुलंद किया? नहीं मैंने रोका कभी, मैंने उसका हौसला बुलंद किया हमेशा। घर में ही है ललित पहलवान जी? घर में ही अंदर? हाँ घर में ही है। आइए अब इनके पिताजी से बात की, ललित पहलवान जी से, और अब ललित पहलवान जी से बात कर लेते हैं। जी पहलवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो कि आपने किस तरीके से, आप कहाँ पर जो आपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, इस समय आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय जी। और मैंने गांव में से ही शुरू किया था, नगला चौधरी में जी। अपना अखाड़ा है जी। वहीं से मैंने शुरू किया था। फिर उसके बाद मैं अर्केश पहलवान जी के पास गया, भारत के श्री हरकेश पहलवान, और ऊँचे गांव अखाड़ा है वहाँ पे भी मैंने प्रैक्टिस की, भूरा पहलवान। और सबसे ज़्यादा मेरा सहयोग मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर पहलवान जी का रहा है जी। उन्होंने ही मुझे, मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ, बाप बड़ा भाई वो मेरे लिए सब कुछ हैं। जो मेरा खर्चा है वही उठाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। और मेरे मैट कोच हैं एकता कोच, राजेंद्र कोच साहब, संदीप पहलवान जी। जी आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र जी 22 साल है जी। जी तो कब से जो आपको ये पहलवानी का शौक लगा था, कब से आप तैयारी कर रहे हो? मुझे शौक यही गांव में प्रतियोगिता होती थी तो मैं अपने से बड़े बच्चों को चित कर देता था। तो आपके पास मेडल भी होंगे, आपने कई जगह जीते होंगे? हाँ जी मेरे पास मेडल है, दिखाओगे? यहाँ से अब ललित पहलवान जी जीते गए पुरस्कारों को, सर्टिफिकेट को दिखा रहे हैं सर, दिखाइए थोड़ा आपने। ये कहाँ पर जीता आपने? ये सर उत्तर प्रदेश स्टेट। जी 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 और जी और कोई भी है? ये सर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जी, नेशनल जी, नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जी। ये मैंने जिला कुश्ती संघ मथुरा बोरफा में जी था। जी जीता, ये जिला स्तर का है जी। जी अब आपने इतने सर्टिफिकेट जीते, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। और आपके कौन कौन गुरु भी रहे होंगे, आपने किसी को गुरु माना हुआ, किन किन का सहयोग रहा आपके यहाँ तक पहुँचाने में? मेरे गुरु मैंने आपको बताया, युधिष्ठिर पहलवान, अर्केश पहलवान, भरत केसरी, भूरा पहलवान, मेरे एकता कोच साहब, राजेंद्र कोच साहब, संदीप पहलवान जी, और जी रौनक भाई मेरे। परिवार के अन्य व्यक्तियों से जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया क्या नाम है आपका? सागर चौधरी। कौन लगते हैं आपके भैया? कौन लगते हैं? बड़े भाई लगते हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे भाई इतने बड़े लेवल में खेले और जीते। तो बहुत अच्छा लग रहा है या? हाँ। आगे भैया का हौसला बढ़ाते रहोगे? हाँ। जी और अन्य परिवार के व्यक्तियों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम करतार सिंह। भैया ललित पहलवान जी के आप कौन लगते हो? इनका तब लगता हूँ जी। इन्होंने आज बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है? अरे ये कैसा लग रहा है, सुंदर, बहुत ज़्यादा
आगे इनका हौसला बढ़ाते रहेंगे सर आप? हाँ, पूरी कोशिश करेंगे, जैसे भी होगी रहेगी आपकी। जी जी, अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललित पहलवान जी की सिस्टर मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुरेखा है। जी जी, आपके भाई ने जिस तरीके से क्षेत्र का नाम रोशन किया, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने किया है वो काफ़ी अच्छा है और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो हम सब इसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी, किस तरीके से आगे सहयोग मिलता रहेगा अपने भाई को? सहयोग आगे सहयोग वैसे तो सभी उनके साथ हैं सहयोग के लिए, अब तक सबने किया है और आगे भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो हर उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं जो वो चाहते हैं। और सहयोग उनके साथ पहले भी भारत के श्री हरकेश पहलवान जी और युधिष्ठिर पहलवान जी और उनकी रौनक चाचा है एक, उन्होंने भी इनका बहुत सहयोग किया है, रमेश भाई, एकता कोच साहब, मतलब जो तेज सिंह अखाड़े के जितने भी जो उनके गुरु हैं और भाई हैं, सब ने उनका बहुत सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। जी जी जी, आप भाई कितने हैं भैया आपके भाई के? अकेले हैं जी, अकेले भाई हैं। जी, और जिस तरीके से आपकी जो किस तरीके से आपने अब तो इनका सबको साथ मिल रहा है, अब तो पहले तो परिवार वालों का साथ था, तो जिस तरीके से स्थिति हम देख रहे हैं, तो किस तरीके से मेंटेनेशन किया था खाने पीने का? इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि ये सब जानते हैं कि सफलता साधनों की मोहताज नहीं होती है। तो अब जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, लेकिन सफलता को साधनों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब युधिष्ठिर पहलवान जी हैं, उन्होंने भी इनका बहुत साथ दिया और सबने ही दिया, इनके गुरुओं ने सबका साथ रहा है। और कोई बात कहना चाहूँगी? और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे में अगर कोई प्रतिभा है तो वो अपनी प्रतिभा को दबाने की बजाय दिखाए। जैसे कि ललित पहलवान जी, आपने कई बार नाम लिया युधिष्ठिर पहलवान जी का, तो उनको उनको किस तरीके से आप क्या कहना चाहोगे? मैं सर उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि परमात्मा उनको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए। उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, मैं उनका बहुत बहुत ही आभारी हूँ। उनका आभार व्यक्त करते हूँ, बिल्कुल दिल से आभार व्यक्त करता हूँ उनका मैं। जी, युधिष्ठिर पहलवान जी ने आपके बच्चे को इस तरह सपोर्ट किया, तो उनको क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, उनके वो ऐसा इस समय मेरा भाव है कि ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। गूंगा व्यक्ति जो है, अगर उसे मीठा फल दे दिया जाए तो उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं उसे कह नहीं सकता। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा और शुक्रिया। जी, आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति मौजूद थे जो कि ललित पहलवान जी। उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, उनके परिवार वाले व्यक्तियों ने भी उनका सपोर्ट किया। युधिष्ठिर पहलवान जी जो कि उनका ये आभार व्यक्त करते हैं और उनका कहना है कि मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट सहयोग हर तरीके से इनके साथ खड़े रहे। और आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में राय दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।